पनीर रस मलाई मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर ली हूँ, जिसे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब इसे मैं ग्राइंडिंग जार में पनीर के पीसेस को डालकर ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए फाइन पेस्ट तैयार है। तो एक बॉल में इसे निकाल लेंगे। अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। पैन या कढ़ाही ले लेंगे, उसमें ग्राइंड किया हुआ पनीर को डालेंगे। गैस को भी मैंने ऑफ ही रखा है। 1.5 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को ऑन कर लिया है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे लगातार चलाएंगे। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे लगातार चलाएंगे जब तक ये पैन से ना छोड़ने लगे। फिर इसमें केसर वाला मिल्क डालेंगे। मैंने 1/4 कप मिल्क में केसर के धागे को डाल के छोड़ दी थी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें रसमलाई एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पैन से छोड़ने भी लगा है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस गैस को ऑफ कर देंगे, प्लेट में निकाल देंगे और हल्का ठंडा होने तक छोड़ देंगे। हल्का ठंडा हो गया है, तब इसके मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने मोल्ट यूज़ किया है, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी। और घी से ग्रीस कर देंगे ताकि आसानी से मोदक डिमोल्ट हो जाए। और मैं इस पे रोज़ पेटल्स रख रही हूँ, इससे मोदक की खूबसूरती बढ़ेगी। हल्का सा मिक्सचर ले लेंगे और इसे सिलेंडर का आकार दे देंगे। मिक्सचर को इस तरीके से रखेंगे इसमें, ये देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसे प्रेस करते हुए बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। और फिर इसमें इस तरीके से प्रेस करते हुए साइड साइड से दबाएंगे। मिक्सचर को मैं थोड़ा सा और इसमें डालूंगी और इसे साइड साइड से दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि मोदक बहुत ही अच्छा शेप दे। ये देखिए इस तरीके से मैंने बारीकी चॉप्ड कर ली थी ड्राई फ्रूट को इसमें डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेते हुए इसे इस तरीके से दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही इजी है मोदक बनाना। एक्स्ट्रा हटा देंगे और फिर इसे खोल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मोदक, ये देखिए। तो इसी तरीके से सारे मोदक को मैं बना लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पनीर रसमलाई की मोदक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दे। बाय एंड टेक केयर।